नमस्कार साथियों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। कालसी के रामलीला मैदान में हुई नशे के विरुद्ध महापंचायत के रुझान देखने को मिल रहे हैं पूरे जौनसार बावर में। उसके बाद जगह जगह ग्रामीणों ने नशे के विरुद्ध कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने नशे के विरुद्ध कड़े कदम उठाए हैं, पूरी तरीके से अपने गांव में प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके साथ ही डीसीपी न्यूज के चक्राता से सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत मेरावना में भी नशे के विरुद्ध एक युद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत नशे को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। जिस तरीके से विभिन्न लोगों ने ये कड़े कदम उठाए हैं, समूचे जौनसार बावर में नशे का पुरजोर विरोध होगा। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा। और खासतौर पर राजनेता यदि इस तरीके का प्रकरण कहीं भी होता है तो उसमें राजनेता पुलिस और मीडिया के कार्य में किसी तरीके का दखल देने की कोशिश नहीं करेंगे, जिसकी कि महापंचायत में भी आवाज उठी थी। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते ग्राम पंचायत मेरावना में और जानते हैं क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने इस पूरे प्रतिबंध को लेकर। डीसी न्यूज चैनल के जो आप पत्रकार महोदय है रितेश वर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं युवा पीढ़ी से यही निवेदन करूँगा कि इस नशे से मुक्ति कैसी पानी है। नशे से मुक्ति ऐसी पानी है कि जो मतलब जितने भी हमारे नौ युवा हैं इसके चपेट में आ रहे हैं, इसको दुरुस्त ऐसे करना है कि मतलब सब लोग मिलजुल के हमें इतना वो क्या बोलते एकजुटता से यही वो करना पड़ेगा कि मतलब नशे का विरोध उठाना पड़ेगा। और नशे मतलब जो भी व्यक्ति नशे के उस विरोध पाया जाएगा उसके ऊपर हम खड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सब लोग संघर्ष करेंगे तो तभी इस नशे से मुक्ति हम क्षेत्र के लोग तभी पाएंगे मुक्ति, जब इसका हम वो करेंगे विरोध करेंगे। तो गांव में ये नियम बना हुआ है कि जो भी बाहर से भारी व्यक्ति आएगा मतलब रेडी फेरी वाला जो भी आएगा उसकी पहले हम पूरी वो जाँच करेंगे, उसके बाद उसका हम पूरी आईडी लेंगे। और जब तक उसका पूरा निर्णय हम समस्त जितने भी क्षेत्रवासी है ग्रामवासी है जब तक हमारे संज्ञान में उनका वो पूरा नहीं आएगी, उनकी डिटेल नहीं हमारे संज्ञान में आएगी तब तक हमारे मतलब ना गांव में घुसेगा वो। और गांव में तो घुस ही नहीं सकता, हमारे क्षेत्र में ही नहीं घुस सकता वो, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि जितने भी बाहर से वो रेडी फेरी वाले आ रहे ना वो मतलब नीचे से कुछ और सामान ले जाते और हमारे यहाँ से भी कुछ खरीद के ले जाते और हमारे यहाँ के जो युवा है उनको मतलब इस नशे के चपेट में ला रहे हैं। बाहर से जो भी गांजा चरस सुल्फा आदि इसका प्रयोग हो रहा, तो मैं अपने युवा पीढ़ियों से यही निवेदन करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस क्षेत्र को मतलब इस नशे से मुक्ति। सबसे पहले तो रितेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस मुहिम पे लगे हुए हैं वो इस तरह की मुहिम है कि इसमें सभी लोगों को एक मंच पे आना होगा और तभी हम इसको नशा मुक्ति करवा सकते हैं क्षेत्र को। और इस दिशा में ऑलरेडी 39 खतें कालसी में जो मीटिंग हुई थी बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ वो समाप्त हुई है और सब लोगों ने इससे शपथ ली है कि हम अपने गांव में जाके अपने ग्राम सभा में जाके ये संदेश देंगे कि भाई इसको ये नशा मुक्ति के क्या बुरे प्रभाव है और हम इसे किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसी दिशा में कल हमारे गांव में भी एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें ये सामूहिक निर्णय लिया गया है कि जो इसमें विलुप्त पाया जाएगा बच्चा उसको दंडित तो करेंगे ही, पर मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये था कि हम पहले इसमें जागरूकता भी फैलाएं जिससे कि भाई इसके क्या परिणाम दुष्परिणाम निकलते हैं और इससे फंस गए आप तो आपको बाहर निकालना मुश्किल होगा। तो अच्छा है हम लोग उन्हें दंडित कर रहे हैं, हम उन पे दंड लगा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोगों को जोर ये देना चाहिए कि हम लोगों को जागरूकता ज़्यादा फैलानी चाहिए। और मैंने वहाँ पंचायत में भी आग्रह किया है कि हमारे गाँव में जो भी इंटर कॉलेज है और जूनियर हाई स्कूल है प्राइमरी स्कूल है उनके अध्यापकों से भी अपील करेंगे कि जी आप भी थोड़ा सा बच्चों को नशा के बुरे प्रभाव को के प्रभाव परिणाम उसके जो क्या परिणाम निकलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा उन्हें जागरूक करें। और हम लोग भी जब भी गांव आएंगे तो इस प्रोग्राम को आयोजित करते रहेंगे कि भाई हम इसको किस तरह से अपने गांव को इस नशा मुक्ति केंद्र से बाहर कर सकते हैं। सामूहिक क्षेत्र में हर एक जगह इस मुहिम को लोग छेड़े हुए हैं और सबका पूरे क्षेत्र वालों ने जो ये मुहिम छेड़ी है उसके लिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 39 खतों के जो व्यक्ति शामिल हुए हैं उनके सियाणे लोग शामिल हुए हैं प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होके हमने इसमें मंथन किया है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने मंथन किया है, उसके लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी लोग अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं और अपने क्षेत्र के प्रति चिंतित है, ये सभी हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है।
सभी बुजुर्ग लोग जो उसमें उपस्थित थे सब एक मत थे कि हमें इसको मुक्ति दिलानी है और उसके लिए दंड स्वरूप तय किए गए हैं अलग अलग कि अगर वो सूखा नशा है उसके लिए दंड क्या रहेगा। और जो गांव में फेरी वाले आते हैं जो इसका माध्यम बनता है नशे को गांव तक पहुंचाने के लिए उनको प्रतिबंधित किया गया है और अलग अलग चीज़ों के लिए दंड लगाए गए हैं। और इवन मतलब शराब का जो बेचेगा और इसमें लुप्त पाएगा इवन उनके लिए भी दंड रखे गए हैं निर्धारित कर दिए गए। ये सबसे पहले तो मैं DCP न्यूज का धन्यवाद करूँगा कि जो समय समय पर लोगों के बीच में जा के ग्राउंड जीरो पे जा कर के हर न्यूज को हर बात को अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में रखते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये नशा मुक्त जो अभियान अभी चल रहा है पूरे जौनसार बावर में उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ के जो नई पीढ़ी है उनमें बहुत ही नशे का एक बहुत बड़ा अभियान उनके अंदर चला हुआ है और लोगों में नशे करने का प्रकोप बढ़ा हुआ है। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हमारी नई पीढ़ी है वो कल का भविष्य है और इस समाज को उनके माध्यम से आगे बढ़ना है चलाना है। तो सभी से मैं अपील करूँगा कि जितने भी नवयुवक है और बच्चे हैं या वो लड़कियाँ भी हैं इस नशे से दूर रहें। ये जो सूखा जो नशा है वो केवल अपने लिए हानि नहीं पहुँचाता है अपितु उस परिवार को उस समाज को उस क्षेत्र को उस खत को सभी को हानि पहुंचाता है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि ये नशा जो है कोई भी बिल्कुल इसको त्याग दें और उसके माध्यम जो हमारे ग्राम मेहरावना में कल जो एक विशाल एक जनसभा एक मीटिंग की गई जिसमें कि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किए गए कि जो ये सूखा नशा है इसमें कोई भी व्यक्ति अगर इसको करते हुए पीते हुए खाते हुए अगर पाया गया तो उसके विरुद्ध जो है गांव में दंड का प्राविधान रखा गया है और उसके बाद भी अगर वो एक गलती पे नहीं मानता है तो उसको कानून के हवाले भी किया जाएगा। और गांव में जो भी घर में जैसे शराब जो बनाते हैं लोग बाग उन पे भी इस बात का क्या बोलते हैं इसको जो कच्ची शराब जो बनाते हैं लोग उन पे भी प्रतिबंध लगाया गया है कि जो भी अपने घर में जो बनाएगा वो केवल और केवल अपने लिए अगर किसी को बेचते हुए पाया गया या कोई भी खरीदते हुए पाया गया तो उन पे अर्थदंड की व्यवस्था की गई है और उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। तो ये कई प्रकार के ये यहाँ पे गांव में प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसका पालन मुझे लगता है कि सभी लोग करेंगे और ये फैसला जनहित में है और सभी जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे कि हम जो है आगे की पीढ़ी को बचा पाएंगे समाज को बचा पाएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पुनः एक बार जो है आप सभी से सभी जनमानस से मैं अपील करूंगा कि आप सब लोग जो है एकजुट होकर इस नशा मुक्ति अभियान में कंधा से कंधा मिलाकर अगर कहीं भी पाया जाता है किसी भी क्षेत्र में तो उसमें ज़रूर प्रयास करें कि इस नशे को हम यहाँ से